बहुत लोगों को एक क्वेश्चन होता है कि नंबर टू नंबर यानी आपके फोन नंबर टू मेरे फोन नंबर पे यूपीआई ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा है, मीन्स गूगल पे फोन पे नहीं हो रहा है। तो फोन पे में एक ऑप्शन है जहाँ पे हम डायरेक्टली जिनको हमको पैसा भेजना है उनका अकाउंट ऐड कर सकते हैं, तो वही हम एक शॉर्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप अपना फोन पे ऐप ओपन कीजिए। नॉर्मली हम कॉन्टैक्ट पे जाके पैसे भेजते हैं नंबर डाल के, अभी हमें अकाउंट में जाना है। सो क्लिक ऑन दिस, उसके बाद में हमें सर्च करना है कि कौन से अकाउंट में डालना है, तो उसके लिए बेनिफिशियरी अकाउंट ऐड करना होगा। तो क्लिक ऑन ऐड बेनिफिशियरी अकाउंट एंड देन सर्च द बैंक जिस बैंक में आपको पैसे डालना है। तो जैसे कि मैंने आपको बैंक, मेरा बैंक है कोटक, तो मैं कोटक सर्च करूँगी और वहाँ लिखूंगी। अभी बेसिक डिटेल्स डालने हैं जो कि मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि अकाउंट नंबर डालना है, आईएफएससी कोड डालना है। सिंपल चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। आईएफएससी कोड डालना है, अकाउंट होल्डर नेम डालना है जो भी XYZ होगा, एंड देन फ़ोन नंबर डालना है उनका, ठीक है। और ये होके हमें कन्फर्म बटन पे क्लिक करके देना है। अभी ये जो डिटेल्स है, निकनेम वगैरह आप डाल सकते हो कुछ भी, जो जिससे आपको याद रहे कि एग्जांपल कि आपको टीसी को पेमेंट करना है ना, मुझे पेमेंट करना है, तो आप डाल सकते हो कि टीसी पेमेंट। एंड देन ये सब डालने के बाद में ये जो कन्फर्म बटन है ये एक्टिवेट हो जाएगी, और वंस यू कन्फर्म आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो बस यही हमको करना है। मैं एक बार मेरा अकाउंट डिटेल्स डालती हूँ और फिर वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। अभी मैंने बैंक अकाउंट नंबर नेम अकाउंट नंबर डाला है। पहले बैंक अकाउंट ऑलरेडी मैंने सर्च कर लिया था, सिलेक्ट कर लिया था, और अभी मुझे कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए मेरा अकाउंट ऐड हो गया है। अब अभी जस्ट जैसे आप नॉर्मल यूपीआई ट्रांजैक्शन करते थे, मोबाइल नंबर पे पैसे भेजते थे, वैसे ही अमाउंट डालनी है एंड देन आपको मैसेज डाल सेंड करना है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो दिस वे से हम आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसमें अभी मोबाइल टू मोबाइल लिंकेज की ज़रूरत नहीं होगी। तो मोस्टली हमें इश्यूज़ आते हैं कि यूपीआई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है रिसीवर बैंक, तो ये इश्यूज़ इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो आप एक बार ट्राई कीजिए और मुझे बताइए ये वर्क होता है या नहीं। थैंक यू।